हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, मतलब जो एसएससी, सीईटी या अदर जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है कंपलसरी में, उसमें आपको वन वर्ड ज़रूर मिलेंगे। तो वन वर्ड वाले जो टॉपिक है वो हम इसमें एक सीरीज से शुरू कर रहे हैं। आपको आज ये फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, फर्स्ट क्लास है इसकी। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इसकी क्लासेस मिलेंगी, मतलब सारे के सारे जो वन वर्ड है ना वो मैक्सिमम मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एन एक्ट ऑफ अबडिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन, मतलब सिंहासन छोड़ने की क्रिया, एक्ट। तो इसको बोलते हैं एबडिकेशन, त्याग, त्याग करना, ठीक है। एन एक्ट ऑफ एबडिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन, एबडिकेशन, त्याग करना, सिंहासन छोड़ना। नेक्स्ट, एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड टाइड टेबल्स। तो ये होता है एल्मनाक, इसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग। जो कैलेंडर जंत्री होती है इस टाइप का, जो पंचांग होता है ना उसको बोलते हैं। एन एनुअल कैलेंडर, एक वार्षिक कैलेंडर जिसमें क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, आंकड़े होते हैं, और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो कि ये भूमंडलीय या खगोलीय जो डाटा होते हैं वो डाटा होता है उसमें, चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है, वो सारी चीज़ें होती है, तो वो पंचांग में होती है। और टाइड्स का मतलब है यहाँ पे कि पंचांग कब लग रहे हैं, ज्वार भाटा उतार चढ़ाव कब होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट, ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल, एक ठंडा जीव जो हड्डी वाला होता है, दैट इज बोर्न इन वाटर एंड ब्रेथ से विद गिल्स, गिल्स से सांस लेने वाला एक जीव, तो ये होते हैं उभयचर जीव, इसको बोलते हैं एम्फीबियन। उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियन। नेक्स्ट, ए स्टोरी पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, टिपिकली ए मॉरल और पॉलिटिकल वन। एक स्टोरी या पोएम और पिक्चर है जिसको इंटरप्रेट किया जाता है एक हिडन मीनिंग को रिवील करने के लिए, रिवील होता है प्रकट करना, टिपिकली मॉरल और पॉलिटिकल वन, कोई पॉलिटिकल या कोई मॉरल स्टोरी हो ना उसको, तो उसको बोलते हैं इलेगरी, इलेगरी बोलते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं हो सकता, इलेगरी होती है कोई कथा के, कोई कहानी के ऊपर कहानी बनाई गई हो, उसको मॉकिंग वे में मतलब उसको मजाकिया रूप में बनाया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज बेस्ट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर है ना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बोलते हैं एक्जिम, मतलब जो बात स्वयं सिद्ध हो, पहले से सिद्ध हो ना, स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब पहले से सिद्ध है, तो उसको बोलते हैं एक्जिम। नेक्स्ट बात करते हैं, ए नेशन और पर्सन इंगेज इन वॉर और कन्फ्लिक्ट, युद्ध या झगड़े में इंगेज रहने वाला नेशन और राष्ट्र, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जिसको पहचान दी गई हो, तो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट, मतलब लड़ाकू। बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू, एक लड़ाकू वो व्यक्ति होता है जो युद्ध में उलझा रहता है, या तो देश हो सकता है या फिर वो पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू होते हैं उत्तक बॉडी के, हमारी बॉडी के इश्यू टिश्यू है ना, उत्तक होते हैं, फ्रॉम ए लिविंग बॉडी, मतलब डेड बॉडी से नहीं, लिविंग बॉडी से, लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस कॉज एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए बॉडी, लिविंग बॉडी से टिश्यू निकालना और उसको एग्जामिन करने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। एक होता है पोस्टमार्टम, वो होता है डेड बॉडी का, और ये क्या है, लिविंग बॉडी का, याद रखना। डेड बॉडी का अगर एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यू वगैरह से, कॉज ऑफ डेथ का, डिजीज का नहीं, वहाँ पे डेथ का कॉज होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। और यहाँ अगर हम डिजीज का पता करें कि किस वजह से डिजीज है, कोई टिश्यू निकाल के, तो उसको बायोप्सी बोलेंगे।
नेक्स्ट है द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलेजियसली, मतलब अपवित्रता से बोलना, अपवित्रता समझते हैं आप, अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स हैं, पवित्र जो पुस्तकें हैं उनके बारे में, या फिर पवित्र स्थल उनके बारे में, या फिर भगवान के बारे में अपवित्रता से बोलना, प्रोफेन टॉक मतलब उनके बारे में बुरा भला कहना, इसको बोलते हैं ब्लैस्फेमी। इसका मतलब होता है ईश्वर निंदा, ईश निंदा। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस है, कोई इवेंट होती है या घटना होती है तो उनकी एक अरेंजमेंट होती है, जैसे 1 2 3 4 है, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, इसको बोलते हैं हिंदी में कालक्रम, कालक्रम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ए वाइगरस कंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, एक जोरदार अभियान, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाना, कंपेन होता है अभियान है, फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज, चेंज करने के लिए, इनको चेंज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्रूशेड। क्रूशेड का मीनिंग वैसे तो होता है धर्म युद्ध, लेकिन ये सोशल और रिलीजियस और पॉलिटिकल तीनों प्रकार के चेंजेज में काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में खत्म होने वाला, तो उसको बोलते हैं एफीमेरल, जिसको बोलते हैं ना अल्पकालीन, अल्पकालीन बहुत कम समय में, एफीमेरल। नेक्स्ट स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के बोला गया या किया गया काम, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोरी, मतलब बिना पूर्व तैयारी के, एक्सटेम्पोरी, इसकी स्पेलिंग देख लेना आप, एक्सटेम्पोरी है ये। नेक्स्ट रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को उसकी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से मुक्त करना, तो इसका मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं वन वर्ड में एक्जोनीरेट, एक्जोनीरेट। ठीक है, उसको अपने कर्तव्य से मुक्त कर देना। नेक्स्ट है नंबर 14 फॉन्ड ऑफ कंपनी, इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब कंपनी में रहने वाला, तो ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला, ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, निशान लगाना जो कि रिमूव ना किया जाए, तो उसको बोलते हैं इनडेलिएबल, मतलब एमिट, जो मिटाई नहीं जा सके, इनडेलिएबल। आपने इलेक्शन देखे हो, इलेक्शन में जो शाही लगाते हैं वो इनडेलिएबल इंक होती है, ये होता है वो इनडेलिएबल मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो गलतियां कर ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं इनफेलिबल, मतलब अचूक, जिससे कोई चूक ना हो, इसको बोलते हैं अचूक। ठीक है, इनफेलिबल। नेक्स्ट सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है घटने वाला, तो उसको बोलते हैं इनवाइटेबल, इनवाइटेबल, इसका मतलब हो गया अपरिहार्य, जिसको टालना मुश्किल हो, जिसको टाला ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन, मतलब कि हमारी कोई ऐसी अटैचमेंट जो पुरानी बातें याद आने पे हमारे मन को उदासी प्रदान करे, उदासी हो जाए मन हमारा, और सेंटिमेंटल मतलब ऐसा मन उद्वेलित करने वाला, कोई पुरानी बातें याद आ जाए, फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, भूतकाल की, पास्ट की, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, इसका मतलब होता है उदासी आना किसी पुरानी बात से। नेक्स्ट ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, सारी डिफिकल्टी और डिजीज का एक सॉल्यूशन, तो ये होता है पेनेंसिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण, कहते हैं ना ये रामबाण इलाज है, तो ये पेनेंसिया होती है रामबाण इलाज। ठीक है, बीमारी का और डिफिकल्टीज मुसीबतों का। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर की ए डॉक्ट्राइन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स, एक ऐसा सिद्धांत जिससे भगवान की पहचान की जाती है यूनिवर्स में, तो वो होता है पैंथिज्म, इसका मतलब होता है देव पूजा, जिसकी पूजा होती है वही देवता होता है, और देवता होते हैं वो गॉड में काउंट होते हैं, इनको
आइडेंटिफाई मिल जाती है। नेक्स्ट 21, एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स और रूल्स को ध्यान में रखने वाला, तो उसको बोलते हैं पैंडेटिक, पांडित्यपूर्ण, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पांडित्यपूर्ण है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ये वो होता है पैंडेटिक। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओवन, एक ऐसा काम जिसमें क्या होता है कि हम दूसरे का काम को, समवन एल्स वर्क है, उसके वर्क को, उसके आइडिया को और उसके जो कुछ काम कर रखा है ना, उसको अपना काम बना लेना, मतलब हम उसके काम को चोरी करके अपना काम बना लेना या अपना नाम दे देना, तो उसको बोलते हैं प्लेजरियरिज्म, प्लेजरियरिज्म। तो इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी, मतलब किसी सॉन्ग की चोरी कर ली हमने, किसी मूवी में से कोई सीन निकाल लिया, किसी बुक में से कोई दो पेज या कोई लाइन्स चोरी कर ली हमने, तो वो सारी साहित्यिक चोरी में आती है, उसको बोलते हैं प्लेजरियरिज्म, प्लेजरियरिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, और वीडियो पसंद आए तो अपने जो साथी आपके SSC, चाहे वो CGL हो या CHSL हो या फिर CET हो, उनकी तैयारी करें तो उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर